गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। वाराणसी में बाबा बटुक भैरव का त्रिगुणात्मक श्रृंगार 15 और 16 दिसंबर को किया गया। श्रृंगार के बाद भोजन, फल एवं मिठाई इत्यादि का भोग लगाया गया, साथ ही बाबा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। कार्यक्रम के आयोजक एवं व्यवस्थापक महंत पंडित जितेंद्र मोहनपुरी के द्वारा रुद्र बटुक महायज्ञ का आयोजन किया गया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। गुरु जी, आज यहाँ पे किस तरह का श्रृंगार है और क्या इसका विधान है? ये आज बाबा का विशेष श्रृंगार है और इसमें त्रिगुणात्मक तीनों स्वरूपों का एक संग एक ही दिन श्रृंगार होता है।
जिसमें सुबह सात्विक रुद्राभिषेक होता है बटुकनाथ का, और श्वेत वस्त्र पुष्पों से फलों से जूस से बाबा का श्रृंगार उंगार भोग लगता है। तत्पश्चात शाम को राजसी श्रृंगार होता है और उसमें लाल पुष्पों लाल वस्त्रों से स्वर्ण आभूषणों से बाबा का विशेष श्रृंगार होता है, और तत्पश्चात आपका भोग छप्पन भोग लगता है और तत्पश्चात रुद्र बटुकीय नृत्य प्रारंभ होता है, और रात्रि में तामसी पूजा जो होता है महाचक्र पूजा जो चक्र पंचमकार पंचमकार मीट मछली अंडा शराब इत्यादि वो रात्रि में महापूजा होता है। कितने सालों से ये श्रृंगार चला आ रहा है? ये वर्षों से चला आ रहा है कालांतर से, जिससे भैरव के तीनों स्वरूप शिव के चुके स्वरूप होने के कारण तीनों स्वरूप है, और ये तीनों स्वरूप बाबा के जैसे भक्त रहते हैं सात्विक भक्त सात्विक रूप में बाबा को पूजते हैं उनका मनोकामनाएं पूरी होती है, राजसी रूप में पूजते हैं उनकी मनोकामना, और तामसी रूप में भी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज के ये श्रृंगार से भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाबा ये श्रृंगार से बाबा पूरे ये मानव जाति का पूरे विश्व का कल्याण हो, धरती पे देख जो प्राकृतिक दिक्कतें हो रही आपदाएं आ रही हैं जो परेशानियां आ रही हैं मुसीबतें आ रही हैं सभी मनुष्य का कष्ट